जब मैं यहाँ आया तो लोगों से मैंने बातचीत की, थोड़ा हवा जानने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भाई 50% में बाकी सारे हैं और 50% में अकेले ही साउथरी जिंदल हैं। आपको क्या लग रहा है? PI की जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया उस समय तो लोगों ने कहा कि BJP ने आपको टिकट नहीं दिया या आपने टिकट मांगा था पार्टी से? अच्छा, नेशनल मीडिया में ना आपके चुनाव को लेकर एक फैक्टर हो रहा है सावित्री जी, वो ये है कि सुभाष चंद्रा जी जो हैं उनके कुछ ट्वीट आए बीते दिनों और उन्होंने एक तरीके से कमल गुप्ता की बजाय आपको समर्थन देने में, यानी कि आपको समर्थन का कुछ बातें ऐसी कही जिनसे लगा कि वो आपके साथ हैं, तो उनका कितना साथ मिल रहा है? लेकिन परिवार में आपके बेटे भी हैं जिंदल साहब, नवीन जिंदल जी, वो आएंगे आपका चुनाव प्रचार करने? तो हम प्रकाश करेंगे सब जगह, जहाँ अंधेरा होता है लाइट चली जाती है तो टॉर्च से ही आप रोशनी कर सकते हैं। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। हिसार में पहुंचे हैं और चुनावी कवरेज जो है वो हमारी जारी है। हमारे साथ सावित्री जिंदल जी हैं, हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। मैडम, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि लगभग 75 साल की आपकी उम्र हो गई, इफ आई एम करेक्ट 74 साल, तो इतना आप सुबह से यहाँ लोगों से डील कर रहे हो, इस उम्र में भी चुनाव लड़ रहे हो, इतना एक्टिव हो, इसका क्या राज है? सबसे पहले तो ये बताइए। नमस्कार जी, ये मेरे हिसार वालों का प्यार है जिसकी वजह से मैं एक्टिव भी हूँ और चुनाव लड़ने के लिए भी मेरे हिसार परिवार ने कहा, तो उनके कहने से मैं चुनावी मैदान में भी हूँ, क्योंकि मेरा चुनाव नहीं है, मेरे हिसार परिवार का चुनाव है, चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ आया तो लोगों से मैंने बातचीत की, थोड़ा हवा जानने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भाई 50% में बाकी सारे हैं और 50% में अकेले साउथरी जिंदल हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं ये तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इतना मुझे नहीं मालूम कि कितना जरूर है कि मेरा हिसार परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो परिवार पूरा हिसार मेरे साथ है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो आप कॉन्फिडेंट है काफ़ी इस बात को लेकर? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि पूरा हिसार परिवार के कहने से ही मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव भी मेरा हिसार परिवार ही लड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी आई कि जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया उस समय तो लोगों ने कहा कि BJP ने आपको टिकट नहीं दिया या आपने टिकट मांगा था पार्टी से? नहीं, मैंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा था, बस मेरे लोगों का अब खैर यही ख्याल था कि चुनाव जरूर लड़ना है। तो देखिए, पार्टी की तो अपनी मर्जी होती है, उनको जो उसके हिसाब से वो देते हैं अपनी टिकट ना, तो मेरे हिसार वालों ने यही कहा कि आपको चुनाव लड़ना ही है, तो मैं उनके कहने से चुनावी मैदान में आ गई। अच्छा, अभी जब मनोहर लाल जी यहाँ आए तो एक कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता थे, उसने उठ के कहा कि यहाँ पे कैंडिडेट गलत दे दिया, BJP तो जीत रही है लेकिन ये कैंडिडेट हारेगा। देखिए, इसके बारे में मैंने नहीं देखा, असल में मुझे मालूम नहीं है इसका। अच्छा, क्योंकि इन दिनों मुझे कोई टाइम नहीं मिल रहा कि किसी दूसरे का कुछ देख सकूं मैं, तो मैंने देखा भी नहीं, मुझे मालूम भी नहीं है। अच्छा, नेशनल मीडिया में ना आपके चुनाव को लेकर एक फैक्टर हो रहा है सावित्री जी, वो ये है कि सुभाष चंद्रा जी जो हैं उनके कुछ ट्वीट आए बीते दिनों और उन्होंने एक तरीके से कमल गुप्ता की बजाय आपको समर्थन देने में, यानी कि आपको समर्थन का कुछ बातें ऐसी कही जिनसे लगा कि वो आपके साथ हैं, तो उनका कितना साथ मिल रहा है? देखिए, वो भी मेरे हिसार के हैं, मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं, मैंने आपको बोला ना कि मेरा पूरा हिसार परिवार मेरे साथ है, तो वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार तो पूरा साथ देता ही है, तो वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन परिवार में आपके बेटे भी हैं जिंदल साहब, नवीन जिंदल जी, वो आएंगे आपका चुनाव प्रचार करने? देखिए, वो अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी उसको जो आदेश देगी पार्टी के लिए वो काम करेगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे पूरे हिसार के पूरे हिसार परिवार लगा हुआ है सारा, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये लूँगा कि ये जो टॉर्च का सिंबल आया है बैटरी का, तो मतलब कई बार जब कोई भी चुनाव लड़ता है तो सिंबल का बड़ा एक महत्व होता है, तो आपकी इस बैटरी का क्या महत्व है, कोई मैसेज है इसके पीछे? इसके पीछे कि टॉर्च हम प्रकाश करेंगे सब जगह, जहाँ अंधेरा होता है लाइट चली जाती है तो टॉर्च से ही आप रोशनी कर सकते हैं, तो हमारा भी प्रकाश का प्रतीक है टॉर्च। प्रकाश करेंगे आप हिसार में? बिल्कुल, पूरे हिसार में रोशनी करेंगे जी, जहाँ जहाँ अंधकार है। थैंक यू। तो सावित्री जिंदल हमारे साथ थी और बैटरी इनका जो है वो सिंबल आया है और वो कह रही हैं कि इससे हम प्रकाश करेंगे। हालांकि 8 तारीख को पता लगेगा कि हिसार में क्या होगा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सावित्री जिंदल एक बहुत बेहद मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे हैं और अभी के लिहाज से, अभी के रुझानों के हिसाब से वो सब पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ राहुल यादव, हिसार, हरियाणा तक।